दोस्तों आज मैं आपके सामने नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इसमें आपको बहुत अच्छी जानकारी देने की कोशिश करूँगा, ध्यानपूर्वक मेरा वीडियो देखें। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दोस्तों, एक होता है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ये है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस माने सेंटेंस के प्रकार, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस माने वाक्य के भाग। एक है प्रकार, एक है भाग। इसे आदमी के प्रकार, कोई ईमानदार आदमी है, कोई बेईमान आदमी है, कोई मोटा आदमी है, कोई छोटा आदमी है। लेकिन पार्ट्स ऑफ मैन, अगर कहा जाए पार्ट्स ऑफ मैन, तो ये नोज है, हेयर है, फिंगर है, हैंड है, लेग है, किडनी है, तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ मैन। तो उसी तरह से पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के भाग। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस आदि आते हैं। ये दूसरा मैटर है, हम आपको बता रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर में कौन कौन से भाग होते हैं। तो आप देखें पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक है सब्जेक्ट, दूसरा है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, अब सब्जेक्ट में क्या क्या आते हैं, अब आप देखें सब्जेक्ट के अंदर में एक ट्रिक है। सब्जेक्ट में कुल चार महत्वपूर्ण चीजें आती हैं। ट्रिक है द क हा, द क हा, सब्जेक्ट के अंदर में ये चार चीजें आती हैं, डी क्यू एच ए, डकहा। डी मीन्स डिटरमाइनर, क्यू मीन्स क्वालिफायर, एच मीन्स हेडवर्ड, ए मीन्स एडजेक्टिव फ्रेज। तो सब्जेक्ट में मेन इंपॉर्टेंट चीज चार चीज आती हैं, डकहा, डिटरमाइनर, क्वालिफायर, हेडवर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज। हम इसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि डिटरमिनर में क्या क्या आते हैं, क्वालिफायर में क्या क्या आते हैं, हेडवर्ड में क्या आते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज में क्या आते हैं। तो देखें पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट के अंदर चार पार्ट होते हैं, डिटरमाइनर, क्वालिफायर, हेडवर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज। बेसिकली आज मैं इन्हीं चार चीजों के बारे में विशेष रूप से फोकस करूंगा। तो ट्रिक है द कहा, डी से डिटरमिनर, क्यू से क्वालिफायर, एच से हेडवर्ड, ए से एडजेक्टिव फ्रेज। अब आप अगर देखेंगे डिटरमिनर के अंदर अगर पढ़ेंगे इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, उसका भी हमने एक शानदार ट्रिक बताया है, ए दादा पकाना, ए दादा पकाना। तो ये है पार्ट्स ऑफ डिटरमिनर। डिटरमिनर में क्या क्या चीज आपको पढ़ना है, बेसिकली आज मैं आपको बताऊंगा कि हेडवर्ड क्या होते हैं, क्वालिफायर क्या होते हैं, डिटरमिनर क्या होते हैं और एडजेक्टिव फ्रेज क्या होते हैं। तो डिटरमिनर में आपको पढ़ना है ए दादा पकाना। ए दादा पकाना मीन्स ए दादा पकाना, ए मीन्स आर्टिकल, दा मीन्स डिमांडेटिव एडजेक्टिव, फिर दूसरे दा मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, पा मीन्स पोसेसिव एडजेक्टिव, का मीन्स क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ना मीन्स न्यूमेरल एडजेक्टिव। हमने लिखा हुआ है डिटरमिनर के भाग ए दादा पकाना, आर्टिकल, डिमांडेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, क्वालिटी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, न्यूमेरल एडजेक्टिव। ये डिटरमिनर के अंदर आपको पढ़ना है, सूत्र है ए दादा पकाना। अब डिटरमिनर के पार्ट हो गए, इसको हम बाद में बताएंगे। अगर हेडवर्ड के बारे में पढ़ेंगे आगे, इसमें हेडवर्ड पांच प्रकार के आते हैं। हेडवर्ड में, हेडवर्ड में क्या क्या चीज आते हैं उसका एक ट्रिक है, पान आईजी, पान आईजी, आईजी साहब पान, देख लीजिए पान आईजी।
तो हेड वर्ड में क्या क्या चीज आते हैं, एक नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव आते हैं, इन्फिनिटिव आती है और जीरंड आते हैं। दीज आर द पार्ट ऑफ हेडवर्ड। हेडवर्ड में पान आईजी, पी मीन्स प्रोनाउन, ए मीन्स एडजेक्टिव, एन मीन्स नाउन, आई मीन्स इन्फिनिटिव, जी मीन्स जीरंज जीरंड। अब नाउन के बारे में जब आप डिटेल से पढ़ेंगे कि पांच प्रकार के होते हैं, एक सीसी माठापी सबका ट्रिक है। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, टोटल 12 प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। इन्फिनिटिव कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। जीरंड कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो ये हेडवर्ड सब्जेक्ट के अंदर आप ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आज हम फोकस डालेंगे कि सब्जेक्ट के अंदर ये चारों चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे, डिटर्मिनर, क्वालिफायर, हेडवर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज। देखते हैं, देखें जैसे हम एक सेंटेंस लिखें, आ बॉय रीड्स। दोस्तों ध्यान पूर्वक थोड़ा मेरा वीडियो देखिएगा, निश्चित रूप से मैं समझाने की भरसक कोशिश करूंगा, निश्चित रूप से समझा भी दूंगा। तो सब्जेक्ट में एक सेंटेंस देखे, आ बॉय रीड्स है, एक लड़का पढ़ता है। ये रीड्स है, ये प्रेडिकेट है। आ बॉय ये सब्जेक्ट है, आ बॉय सब्जेक्ट है। अब बॉय क्या चीज है, ये बॉय ये हेडवर्ड है। बॉय क्या है, हेडवर्ड है। हेडवर्ड में भी बहुत सारे चीज आपको पढ़ना है, पान आईजी। हेडवर्ड में प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, नाउन आता है, इन्फिनिटिव आती है, जीरंड आती है। तो बेसिकली आप इसे पहचानिए, बॉय क्या है, हेडवर्ड। अब ये क्या है, अब ये यहां पर क्या है, क्वालिफायर है। ये जो है क्वालिफायर है। अब एक चीज क्लियर हो गई, क्वालिफायर। देखें जब हेडवर्ड के पहले कोई एक शब्द आए, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू से टू यू। जब हेडवर्ड के पहले कोई एक शब्द आए उस शब्द को क्वालिफायर कहते हैं। अब बॉय रीड्स में आ क्या हो गया, क्वालिफायर है। अगर इसी तरह लिख दें द बॉय रीड्स, तो द क्या हो जाएगा, क्वालिफायर हो जाएगा। ईच बॉय रीड्स है, ईच क्या हो जाएगा, क्वालिफायर हो जाएगा। एवरी बॉय रीड्स है, ये भी क्वालिफायर। सम बॉय रीड्स है, तो सम क्या होगा, क्वालिफायर होगा। ए आई द फ्यू अ फ्यू द फ्यू सम एनी मेनी ईच एवरी आइदर नाइदर, ये सब क्या होंगे, क्वालिफायर। क्वालिफायर समझने का बेहतरीन चीज ये है, हेडवर्ड के पहले कोई एक शब्द रहे उस शब्द को क्वालिफायर कहते हैं। अब देखें एक दूसरा शब्द लिख दें, द फाइट बॉय, द फाइट बॉय राइट्स अ लेटर, द फाइट बॉय राइट्स अ लेटर। तो राइट्स अ लेटर क्या है, ये प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं या मेन वर्ब से शुरू होते हैं। ये राइट्स मेन वर्ब है, मेन वर्ब रहे या हेल्पिंग वर्ब रहे वहीं से प्रेडिकेट शुरू होता है। तो प्रेडिकेट के पहले ये सब्जेक्ट है। अब आप देखें द फाइट बॉय, हम पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज होती है, ये बॉय क्या हो गया, ये हेडवर्ड है। यज डब्ल्यू मीन्स हेडवर्ड। होमवर्क दूसरी बात है, यहां पर यज डब्ल्यू मीन्स हेडवर्ड। अब देखें हेडवर्ड के पहले एक चीज फाइट आ रहा है, ये फाइट क्या हो गया, ये फाइट जो है क्वालिफायर है। फाइट क्या है, क्वालिफायर है। ध्यान दीजिए हेडवर्ड के पहले जो शब्द आए वह क्वालिफायर होता है, और क्वालिफायर के पहले जो शब्द आए वो डिटरमिनर होता है। क्वालिफायर के पहले जो शब्द आए वो डिटरमिनर होता है। द फाइट बॉय, बॉय हेडवर्ड है,
हेडवर्ड के पहले कोई शब्द आए वो क्वालिफायर होता है, क्वालिफायर के पहले कोई शब्द आए ये डिटरमिनर होता है। जब आप डिटरमिनर के अंदर पढ़ेंगे डिटरमिनर में बहुत सारी चीज आती है, जैसे आर्टिकल आती है, डिमांडेटिव एडजेक्टिव आती है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आती है, पोसेसिव एडजेक्टिव आती है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव आती है, न्यूमेरल एडजेक्टिव आती है। ए दादा पकाना, दीज आर द पार्ट ऑफ डिटरमिनर। ए दादा पकाना, तो आप देखें हेडवर्ड ये क्वालिफायर ये डिटरमिनर। अब आप देखें तीन चीज क्लियर, हेडवर्ड क्लियर, क्वालिफायर क्लियर और डिटरमिनर क्लियर। अब एक और वाक्य देखें, एडजेक्टिव फ्रेज, एक सेंटेंस देखें, द फाइट गर्ल, द फाइट गर्ल सीटिंग इन द कॉर्नर ऑफ माई क्लास, द फाइट गर्ल सीटिंग इन द कॉर्नर ऑफ माई क्लास इज ए वेरी गुड। मेरे कक्षा में कोने में बैठी हुई वह मोटी लड़की बहुत अच्छी है। द फैट गर्ल सीटिंग इन द कॉर्नर ऑफ माय क्लास इज वेरी गुड। ये थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है। अब आप इसमें सेंटेंस के पार्ट पहचानिए। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब न रहे तो मेन वर्ब से शुरू होता है। अब आप देखें इज वेरी गुड या प्रेडिकेट है, इज वेरी गुड प्रेडिकेट है, इज हेल्पिंग वर्ब है ये प्रेडिकेट है। बाकी प्रेडिकेट को छोड़कर जो भी सेंटेंस जो भी शब्द समूह है ये क्या है, ये नाउन है, ये क्या है सारी ये सब्जेक्ट है। कभी कभी वाक्य में सब्जेक्ट बहुत लंबा होता है, प्रेडिकेट बहुत छोटा होता है, कभी कभी जेट इसके अपोजिट भी हो जाता है। प्रेडिकेट बहुत लंबा होता है, सब्जेक्ट बहुत छोटा होता है, ये अलग बात है। हमें पहचानने की कोशिश करनी चाहिए कि सब्जेक्ट कौन है प्रेडिकेट कौन है। तो ये प्रेडिकेट है ये सब्जेक्ट है। अब आप सब्जेक्ट के अंदर चार चीजों को पहचानिए, कौन सा डिटरमिनर है, कौन क्वालिफायर है, कौन हेडवर्ड है, कौन एडजेक्टिव फ्रेज है। तो थोड़ा देखें ध्यान लगाकर देखें, द फैट गर्ल सीटिंग इन द कॉर्नर ऑफ माई क्लास, ये गर्ल क्या है, ये एच डब्ल्यू है, एच डब्ल्यू मीन्स हेडवर्ड है। हेडवर्ड में कई चीज आते हैं, हेडवर्ड नाउन हो सकता है, हेडवर्ड प्रोनाउन हो सकता है, हेडवर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है, हेडवर्ड इन्फिनिटिव भी हो सकता है, हेडवर्ड जीरंड भी हो सकता है। तो ये हेडवर्ड है। हेडवर्ड के पहले जो शब्द रहे उसे क्या कहते हैं, उसे क्वालिफायर कहते हैं। ये फाइट जो है क्वालिफायर है। क्वालिफायर के पहले जो शब्द आ जाए उसे डिटरमिनर कहते हैं। इसमें द क्या चीज है, द जो है डिटरमिनर है, डिटरमिनर फाइट क्वालिफायर, गर्ल हेडवर्ड है। अब आप देखें, अब चौथी चीज बची है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज इसको शॉर्टकट में कह सकते हैं एपी। अब आप आम आदमी पार्टी आप मत समझ लेना, आप मीन्स एडजेक्टिव फ्रेज। तो देखें एडजेक्टिव फ्रेज कैसे पहचानते हैं, हेडवर्ड के बाद और प्रेडिकेट के पहले आप रहते हो, आप मतलब एडजेक्टिव फ्रेज, आप कहाँ रहता है या आप कहाँ रहते हो, तो एडजेक्टिव हेडवर्ड के बाद, हेडवर्ड के बाद और प्रेडिकेट के पहले जो भी शब्द समूह रहे
वह एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। एडजेक्टिव फ्रेज मीन्स आप देखें हेडवर्ड क्या है, गर्ल है, गर्ल के बाद हेडवर्ड के बाद सीटिंग इन द कॉर्नर ऑफ माय क्लास, अब ये प्रेडिकेट इज है, अब हेडवर्ड के बाद और प्रेडिकेट के पहले जो भी शब्द समूह रहे उसे एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। देखें अब एक शब्द है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मैं सीटिंग इन द कॉर्नर ऑफ माय क्लास, इन सबको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। शॉर्टकट में इसे क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं फ्रेज। फ्रेज मीन्स वाक्यांश, वाक्य का एक अंश होता है। अगर फ्रेज के बारे में एक मिनट बताएं तो फ्रेज जो है शब्दों का समूह होता है, लेकिन इसमें कर्ता और क्रिया नहीं होते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज नो सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड फ्रेज। इसी का अपोजिट है क्लाज, शब्दों का समूह जिसमें कर्ता और क्रिया हो क्लाज कहलाता है, शब्दों का समूह जिसमें कर्ता और क्रिया न हो फ्रेज कहलाता है। फ्रेज माने वाक्यांश। दोस्तों एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि फ्रेज में कर्ता और क्रिया नहीं आ सकते हैं, फ्रेज में कर्ता और क्रिया नहीं आ सकते हैं। वाक्य का अंश होता है लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। आप देख लीजिए सीटिंग इन द कॉर्नर ऑफ माय क्लास, इस शब्द समूह में ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है, शब्दों का समूह है, ये फ्रेज है। ये कौन सा फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज। दोस्तों इस तरह से हमने सब्जेक्ट के अंदर चार चीजें बताई, चार चीजें कौन कौन सी है, नंबर एक हेडवर्ड, फिर क्वालिफायर, फिर डिटरमिनर, फिर एडजेक्टिव फ्रेज। इसको ये चारों को याद करने के लिए हमने आपको एक ट्रिक भी बताया, द कहां सुने हैं, द कहां तू नौटंकी देखे काल कर रहे हैं, द कहां, द कहां मीन्स द कहा। अगर आप इसे याद करते हैं सब्जेक्ट के चारों चीज अपने आप याद रहेंगे, द कहा, डिटरमिनर, क्वालिफायर, हेडवर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज। हेडवर्ड के पहले एक शब्द रहे क्वालिफायर, हेडवर्ड के पहले दो शब्द रहे तो पहला वाला क्वालिफायर, क्वालिफायर के पहले डिटरमिनर और एडजेक्टिव फ्रेज, हेडवर्ड के बाद और प्रेडिकेट के पहले जो भी शब्द समूह रहे वह एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया दोस्त तो कमेंट कर दीजिएगा मेरा यह वीडियो कैसा लगा। आप मेरा वीडियो रेगुलरिटी में देखते रहिए, एक से एक चीज आसान शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।